अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वज़ीर खामद अखिल और आप देखिए मेरे चैनल वज़ीर खामद अखिल। आज मैं बात करूंगा कि हम लोगों को कुछ ऐसी आदतें होती है या ऐसे शौक़ हमारे होते हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस पाना तो दूर की बात है, आम ज़िंदगी में हम लोग का नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। कुछ ऐसी आदतें होती है, अब मैंने बहुत से लोगों को कुछ ऐसी आदतें देखी है कि वो यानी मिसाल के तौर पर ज़िद, ये भी एक आदत है। किसी के साथ आप ज़िद करना, किसी के साथ आप जानबूझ के आप कहते हैं कि आप जानबूझ के किसी के साथ लड़ाई करना, जानबूझ के एक चीज़ को ख़राब करना, जानबूझ के एक चीज़ को सही रास्ते के बजाय गलत रास्ते पे हमवार करना, और जानबूझ के एक ऐसे यानी उसके इंसाफ के ख़िलाफ़ जाना, या कोई भी ऐसे आदतें होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमें यानी हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जहाँ तक हमारा अगर कोई टारगेट है। अगर टारगेट हमारा नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे आदतें हैं जैसे खाम खा किसी के साथ छेड़छाड़ करना, खाम साथ किसी के साथ आप कह सकते हैं कि गलमगाल करना, या किसी चीज़ को सही तरीके के बजाय गलत तरीके से हासिल करना। यहाँ पर एक बंदा है जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और वो यही है, यानी वो खामोश एक आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में ये चीज़ सिखाता है कि अगर एक बंदा गाड़ी खोल के दरवाजे से आना चाहिए लेकिन वो दरवाजे को छोड़कर वो शीशा तोड़ के अंदर जाना चाहता है, चाबी भी उसके पास है, तो वो कहते हैं इस तरह से नहीं, आप दरवाज़ा चाबी ले लो, दरवाज़ा खोलो और गाड़ी में आराम से बैठ जाओ बजाय आप शीशा तोड़ने के। तो कुछ लोग इस तरह से हैं कि वो शीशा तोड़ना चाहते हैं, यानी उनके पास चाबी भी होगा, गाड़ी को खोल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैंने शीशा तोड़ना है, मैंने नुकसान करना है लेकिन मैंने शीशा तोड़ना है, वो मैं गाड़ी के अंदर इसी तरीके से बैठना है। तो इस तरह से शौक़ हमारे नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से शौक़ हमारे हैं होंगे तो फिर सही बात है, हमारा खाना ख़राब होगा, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है जिस कामयाबी के लिए हम लोग सोचते हैं। और ऐसे लोगों की कोई टारगेट भी नहीं है, ऐसे लोगों का कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई कामयाबी कोई तमन्ना है। ये लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, यानी जानबूझ के ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। इस किस्म के अगर लोग हैं, इस किस्म के अगर नेगेटिव लोग हैं, या इस किस्म के ऐसे लोग हैं जो यानी चाबी के बजाय शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर बैठना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, तब हम लोग इंशाल्लाह फिर कामयाब रहेंगे। तो ये आज की वीडियो, नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपके सामने नजर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियोज़ आप फेसबुक और यूट्यूब पर आ रहे हैं, आप देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।